राजस्थान पुलिस ने बुधवार को एक दुकान में छापेमारी कर 2 किलो से अधिक गांजे के साथ दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में दमन पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बुधवार को दमन पुलिस को दाभेर क्रिकेट ग्राउंड के सामने काजल फुटवेयर नामक दुकान के संचालक द्वारा गैरकानूनी तौर पर गांजे की बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली के DIGP विक्रमजीत सिंह, दमन SP अमित शर्मा, SDPO रजनीकांत अवधिया के मार्गदर्शन में नानी दमन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सोहेल जीवानी के नेतृत्व में PSI स्वानंद ईमानदार एवं पुलिस टीम बनाकर उपरोक्त पते पर रेड करके तलाशी लेने पर काजल फुटवेयर की शॉप में पॉलिथीन में छोटे छोटे पैकेट में गांजे के 244 पाउच पाए गए, जिसका वजन 2 किलो बताया गया है। जिसके तहत नानी दमन पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया। साथ ही काजल फुटवेयर दुकान के संचालक 28 वर्षीय प्रदीप कुमार बिंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नानी दमन के डाभेल में रहता था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। गई काले एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मर के थ्रू मिली थी, अने अमने मैसेज मळ्यो हतो के एक दाभेलमां फूटवेरनी दुकान छे जेमां गांजानुं वेचाण थाय छे, जेना अनुसंधानमां पुलिसनी टीम बनावी अने ए दुकानमां रेड पाडता तपास करता गांजानो एक प्लास्टिकनी बेगमां घणो बधो जथ्थो मळी आव्यो, अने ए करीबन 408 पूड़ी जेवी हती, नानी नानी प्लास्टिकनी पैकेट में पैक करीने FSL नी टीम जगह पर बोलावी अने चकासणी करता गांजो पुरवार थयेलो FSL टीम द्वारा आगळनी कायदेसरनी कार्यवाही जगह पर करी अने NDPS ना सेक्शन ऊपर केस रजिस्टर करी एक प्रदीप कुमार बिन नामना व्यक्ति ने धरपकड़ करेल छे, अने जे पाछळथी यूपीना रहेवासी छे अने अहींया 4-5 वर्षथी रही छे। माननीय कोर्टमां एमनी पेशी करी अने 17 तारीख सुधी पुलिस कस्टडी मळेल छे। आगळनी कार्यवाही करवामां ચાલુ રાખો।